नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआर सोनभद्र में सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवसर पर हम कक्षा 9वीं के छात्र एक स्क्रिप्ट की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। तो आइए हम सब इस नाटक के पहले दृश्य की ओर बढ़ते हैं। अरे यार, ये देश में दंगे फसाद का माहौल कैसा चल रहा है? कोई अपने मौलिक कर्तव्यों को करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे दोस्त, हमें तो हमारे राजनीति शास्त्र की किताब में तो सिर्फ अधिकारों के बारे में ही पढ़ाया गया है, कर्तव्यों के बारे में बताया नहीं गया कि हमारे कर्तव्य क्या है। क्यों नहीं, हर किताब की शुरुआत में मौलिक कर्तव्य ये तो गए हैं। कहाँ, मैंने तो कहीं देखा ही नहीं कि कहाँ कर्तव्य है, मेरे मौलिक कर्तव्य क्या है। देखो, अभी उन्होंने अपने अधिकार को पूरा रख लिए हैं। हाँ, अधिकार मुझे पूरा पता है, 6 की 6 अधिकार पता है, 2 स्ट्राइक पता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और ढेर सारे पता है। फिर से बोलो। अच्छा रुको, कल हम एसएसटी से अपने मौलिक कर्तव्य बताने और समझाने का आग्रह करेंगे। यस। आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? सर, मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्यों के बारे में ये तो आपके जो चैप्टर में कहीं है ही नहीं किताब में, ये क्यों? जो परीक्षा में आएगा पहले वो पढ़िए। बहुत अच्छी बात, लेकिन ये विचार आपके दिमाग में आया कैसे? सर, कल मैं सर टीवी देख रहा था जिसमें सर कुछ लोगों ने सर एक रैली निकाली। सर, उस रैली में उन्होंने दंगा फसाद करके सर कुछ सरकारी बसों को जला दिया। तो सर, जब मौके पर पुलिस पहुंची, सर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया। तो सर, लोगों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई देने लगी। ठीक है, तो आप लोग बारी बारी से एक एक कर्तव्यों को पढ़ते जाइए और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है? पहला कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहें। तो आप लोगों को इसमें क्या बताया गया? आपको कहीं भी सरकारी चीज जो भी हो, जो भी सार्वजनिक उपयोग की चीज हो, उसको उसका दुरुपयोग नहीं करना है। उसको अच्छे से हो सके तो उसको जितना सुरक्षित रख सकते हैं आप उतना सुरक्षित रखें, और तोड़ना तो बिल्कुल, ये तो एक अपराध है, आपको तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। और आप कहीं भी अगर रैली में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप कम से कम हिंसा से दूर रहने की कोशिश कीजिए, कहीं हिंसा में उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, हल्का सा सहके वहाँ से बच के निकल लीजिएगा। अगला कोई प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन झील इत्यादि वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। बिल्कुल, आपको इंसानों के लिए ही नहीं, आपके संविधान ने आपके कर्तव्य के रूप में ये भी बताया है कि आपको जानवरों के ऊपर भी दया भाव रखना है। आपको नदियों, पेड़ पौधों, जितने भी ये प्राकृतिक जो आपको संसाधन है, इनको बचा कर रखना है तथा इन्हें अच्छी तरह से इनको और बढ़ाना है, इनको अधिक दिन तक आपके उपयोग में आते रहें, इसके लिए इन्हें सही से बचा कर रखिए आप। अगला आप बोलिए। यस सर, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण बनाए। बिल्कुल, आपको कहीं भी देश विरोधी नारे नहीं लगाना है। ऐसे नारे जहाँ भी सुने आप उनसे या फिर कहिए कि ऐसा वे न करें, और आपको बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो कि आपके देश की अखंडता को क्षति पहुंचाए। आप एक देश के नागरिक हैं, आप एक देश के रहने वाले हैं, जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छे से जुट बनाकर रखना है। ऐसी गलतियां कभी मत कीजिएगा जहां देश विरोध की कोई भी बात आपके दिल में भावना ही नहीं आनी चाहिए। चलो और कोई पढ़ो। स्त्री बालक या पति बाल्य को शिक्षण का अवसर और सुविधा। बिल्कुल, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये आप बैठ जाइए, ये आपके लिए नहीं है, ये आप अपने अगल बगल जो आपके चाचा हो, बड़े पापा हो या फिर कोई भी हो जिनके बच्चे हो 6 से 14 साल की वर्ष आयु के बीच में, तुम्हें बताइए कि जगह जगह गांव में भी स्कूल खोल दिए गए हैं और वहां पे वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर भेजें।